हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रूट कैचर पर। और मैं आपका दोस्त बापोन, और मैं आज फिर से आपको एक अपने एक नए एडवेंचर पर ले जाने वाला हूँ। और ये एडवेंचर एक्चुअल में थोड़ा लोकल है, और मैं आपको जिस एडवेंचर पर ले जा रहा हूँ वो एक्चुअली मेरा शाम का टाइम पास है। तो आज हम खाने जा रहे हैं एक्चुअली लॉलीपॉप, और ये लॉलीपॉप मिलती है बाड़निया, हमारे यहाँ से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने एक भाई को रिसीव करने के लिए, और हम दोनों एक साथ ही निकलेंगे और दोनों ही मज़ा करेंगे, और इस मज़ेदार सफ़र में आप जरूर रहिए। फिलहाल मुझे एक टुक टुक ने वो एक्चुअल में मेरी भाभी थी जो मुझे देखते ही बोल रही है कि क्या वीडियो बना रहे हो। अच्छा, हाँ वीडियो ही बना रहे हैं। तो निकलते हैं एक अनोखे सफ़र पर, और आप मेरे पीछे के व्यू को देख सकते हैं। और फिलहाल मैं स्कूटी चला रहा हूँ, तो स्कूटी चलाते चलाते यार बात करना थोड़ा डेंजरस है, इसीलिए मैं अभी बात करना बंद कर रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं फिर से आपसे रूबरू हो रहा हूँ। ओके, और मैं अपने भाई के घर में पहुँच चुका हूँ उसे रिसीव करने के लिए, कि चलते हैं दोनों एक साथ यार लॉलीपॉप खाने के लिए। अकेले अकेले जाने में बहुत ज़्यादा बोरिंग भी फील होती है। संदीप बाहर निकल यार। और ये मेरे भाई आ रहे हैं फुल टू बॉडी लेकर बाहर। हाय बोल दो इसको, चल रेडी है। फाइनली मैं और मेरे भाई दोनों जा रहे हैं लॉलीपॉप खरीदने, और ये रास्ता सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है दोस्तों। और ये मेरा एक्चुअली फेवरेट रास्ता है, यहाँ पर ज़्यादा चहल पहल नहीं रहती है, लोग भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं रहते हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, मतलब यहाँ का इन्वायरमेंट में आते ही ना आपको एक अलग सी फीलिंग आएगी, आप बहुत पीसफुल फील करेंगे अंदर ही अंदर। और बाय द वे मैं आपको सामने कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर ये सच में हो रहा है तो आप एक बहुत ही अच्छी चीज़ देख पाएंगे। मास हे तो दोस्तों, एक्चुअल में मैं आपको फिशिंग दिखाने वाला था, लेकिन अभी ये लोग फिश कैच नहीं कर रहे हैं, तो सॉरी दोस्तों मैं ये आपको दिखा नहीं पाया। तो चलते हैं अपने सफ़र पर। आप इस जगह पर एक बार आइए, आप सच में मतलब सोचेंगे कि क्या जगह है, इतना औसम जगह है ये। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ इसी लॉलीपॉप की दुकान में, और मैं बाय द वे लॉलीपॉप ही खरीदने वाला हूँ। दादा दोटो लॉलीपॉप दे तो मैंने किनार जो मैंने खावार जो एन ठीक है, और चारटे पैक कर दिव। ये कि पकोड़ा, चिकेन पकोड़ा। अच्छा ठीक है, यार तेरे चारटे दिए दाओ ठीक है, और ये दोटो दो। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि मैंने ये चिकन लॉलीपॉप ऑर्डर किया है, और इधर ये चिकन पकोड़ा ठीक है, इन दोनों को ऑर्डर किया मैंने। और फिलहाल ऑर्डर दो तो ठीक है, हाँ लॉलीपॉप चाटते दियो। हाँ चाटते लॉलीपॉप दियो ठीक है। सुनो दोटो लॉलीपॉप पैक कर दो, और दोटो पकोड़ा पैक कर दो ठीक है, और दोटो लॉलीपॉप एम खेते देव मैंने एम खाव ठीक है। जैसे देख रहे हैं कि ये तेल में फ्राई हो रही है फिलहाल लॉलीपॉप, और ये हमारा चिकन पकौड़ा। Thank you.
और यहाँ पे चाहे तो आप एक्स्ट्रा चीज़ भी ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे ये आप यहाँ पे दूसरी चीज़ भी ऑर्डर कर सकते हैं, चिकन कबाब ये देख सकते हैं यहाँ पे, और भी है वेजिटेबल है, उसके बाद एक पकौड़ा भी है, आप चाहे यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों हमारे लोकेलिटी में एक्चुअल में सबसे बेस्ट दुकान यही है, यहाँ पे चिकन लॉलीपॉप या कुछ भी फास्ट फूड सबसे बेस्ट यहीं पे मिलती है। फिलहाल मैं अभी अपने लॉलीपॉप का इंतज़ार कर रहा हूँ, देखते हैं कि कब मिलती है मुझे लॉलीपॉप। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लॉलीपॉप खाने के लिए आया था और लॉलीपॉप मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ, लेकिन बगल में ही मुझे एक अच्छी सी चीज़ नज़र आई है और उस चीज़ का भी मैं बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ। एक्चुअली रोड के उस पार ही एक मटन घुगनी की दुकान है और उस वहीं पे मैं मटन घुगनी को ट्राई करने जा रहा हूँ, देखते हैं कि वो कैसा बना है। अरे हेक्टा घुगनी दियो ना, नहीं जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पे मटन घुगनी खाने के लिए तो आए थे, लेकिन मेरी किस्मत ख़राब है, आज यहाँ पे चिकन घुगनी मिल रही है, ठीक है वो भी ट्राई करते हैं, वो दोनों ही फेवरेट है मेरे। ये रहा घुगनी और अभी मैं इसे ट्राई करने वाला हूँ। খারাপ আছে এই সাইড लास्ट एक खटाई दी गई है वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। मटन और मेरे जो दुकानदार भैया हैं वो बोल रहे हैं कि आज तो हम चिकन घुगनी नहीं खिला पाए, लेकिन कल जरूर आज चिकन घुगनी खिलाया है, लेकिन कल मटन घुगनी है हमें ज़रूर खिलाने वाले हैं, तो अगर कल टाइम निकलता है तो ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों मैं अभी ट्राई करने जा रहा हूँ लॉलीपॉप, मुझे पता है यार पहले से ही ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और मैं आपको भी ये बताना चाहूँगा कि खाने से पहले ही मैं इसे रिव्यू दे दे रहा हूँ, क्योंकि ये इसे मैंने पहले भी ट्राई किया है और ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जैसा कि मैंने सोचा था, ये मेरी पूरी सोच पर खड़ी उतरती है और सच में इसका टेस्ट लाजवाब है दोस्तों। आप अगर कभी बाढ़ने आए तो इस लॉलीपॉप को एक बार जरूर ट्राई करें। दोस्तों हम चाहे जितने भी रेस्टोरेंट में क्यों ना खा लें, लेकिन असली मज़ा तो इंडियन स्ट्रीट फूड में ही आता है, और आज मैं इंडियन स्ट्रीट फूड ही ट्राई करने आया हूँ यहाँ पे। तो फाइनली मैं अभी लुत्फ़ उठा रहा हूँ लॉलीपॉप का, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और कुछ लॉलीपॉप मैंने ऑलरेडी पैक भी कर लिया है, उसे हम थोड़ा खेत में जाकर खाने वाले हैं, या फिर कह सकते हैं कि रोड साइड में जाकर खाने वाले हैं, क्योंकि ओपन प्लेस में खाने का मज़ा तो कुछ और ही है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और इस बीच अगर मैं कुछ एडवेंचरस देखता हूँ तो आपको मैं ज़रूर दिखाने वाला हूँ। बाय द वे मेरी स्कूटर की ऑयल भी ख़त्म हो चुकी है, फ्यूल भी ख़त्म हो चुकी है, मैं कुछ ही देर में ऑयल रिफिल करवाने भी पेट्रोल पंप जाने वाला हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, बाय।